Hello friends, this is Poonam Soni, Assistant Professor Biani Girls College. In the earlier class और इससे पहले वाले lecture में हमने discuss किया था about the automata. What is an automata? Let's revise a bit. एक automata एक ऐसा machine है, हम एक machine की तरह उसको consider कर सकते हैं जो क्या कर रहा है, either it is transmitting the energy or it is transforming some input into the output without the human interaction. तो एक ऑटोमेटिक मशीन की तरह हम उसको कंसिडर कर सकते हैं. दिस इज अ बेसिक डायग्राम थ्रू विच वी कैन डिपिक्ट द फंक्शनिंग ऑफ एन ऑटोमेटा. अगर ये एक मशीन का काम कर रहा है एंड वी आर फीडिंग सम इनपुट इनटू इट, हम कुछ इसमें इनपुट डाल रहे हैं तो ये उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है. ठीक है, साथ में एक चीज़ और हो रही है इंटरनली. ऑटोमेटा इनिशियली किसी और कंडीशन में होगा एंड इट विल रिसीव सम इनपुट एंड विल ट्राई टू कन्वर्ट इट. It can change its state also. ये अपना state भी change कर सकता है. So here we have given the set of states जिसमें ये automata possibly transit कर सकता है. So this is a basic definition for automata. Let's see the description of finite automata. How we will describe? So we can describe the automata in 5 tuple. 5 entity होंगी उसमें, जिसमें entity होंगी जिसमें हम उसको describe कर सकते हैं. So this is the 5 tuple that we can use for the automata. Capital Q, summation, delta, Q naught and F. First is capital Q, जो ये सारी states होंगी from Q naught to Qn, जिनमें भी automata transit कर सकता है from the very initial state to the final state, will all be considered in the set of Q. So Q is what? Q is a non-empty set of states. It is clearly a non-empty set of states जिनमें भी आपका ऑटोमेटा ट्रांजिट कर सकता है. Second is delta, summation का साइन हम इसके लिए यूज कर, सॉरी नॉट डेल्टा, दिस इज समेशन. इसको हम बोलते हैं इनपुट अल्फाबेट. इनपुट अल्फाबेट मतलब जो भी पॉसिबल इनपुट हमारे ऑटोमेटा में दिए जा सकते हैं, वेदर दे आर न्यूमरिक 0 और 1, वेदर दे आर अल्फाबेट्स और वेदर दे आर एनी काइंड ऑफ कैरेक्टर. जो भी आप उस मशीन में एज एन इनपुट देंगे दैट विल बी कंसिडर्ड एज द इनपुट अल्फ़ाबेट. सो इट इज़ अगेन अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ इनपुट सिम्बल्स जिसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं इनपुट अल्फ़ाबेट. नाउ द थर्ड वन इज डेल्टा. दिस वी कॉल अ ट्रांजिशन फंक्शन. ट्रांजिशन फंक्शन अभी हम बार बार बोल रहे हैं कि हमारा जो ऑटोमेटा होगा वो इनपुट देने पे किसी स्टेट में ट्रांजिट करेगा, मतलब उसका स्टेट चेंज होगा. तो वो किस बेसिस पे होगा? डिपेंडिंग अपॉन दिस ट्रांजिशन फंक्शन. एक ट्रांजिशन फंक्शन में हम 2 वैल्यूज कंसिडर करते हैं. फर्स्ट एनी स्टेट, सेकंड द इनपुट सिंबल. हमें क्या देखना है, जब भी हम कोई भी एग्जाम्पल देखेंगे डेल्टा का, ट्रांजिशन फंक्शन का, तो उसमें हम देखेंगे कि पहली चीज़ तो क्या है, What is the current state of the automata? कि current state कौन सी है. Suppose if it is Q और it is Q1, हमने बोला the current state of the automata is Q1 और उस Q1 में इसमें input क्या आ रहा है. Suppose let's take A. हमने बोला कि अगर हम automata हमारा Q1 state में है और हम A input करते हैं तो what will be the next state? So next state can be Q2 और Q3 और Qn according to the definition or according to the description of the automata. So this is the transition function. Transition function as an input क्या ले रहा है? The current state of the system and जो current input आपका लग रहा है system पे, उन दोनों के basis पे वो decide करता है what will be the next state of the automata. So that's we call transition function. Then next one is Q naught. जब भी आपका ऑटोमेटा स्टार्ट होगा, हमारा ऑटोमेटा या हमारा मशीन स्टार्ट होगा, तो व्हाट विल बी द इनिशियल स्टेट? सबसे पहले वो कौन से स्टेट में होगा? दैट इज़ नोन एज द इनिशियल स्टेट एंड जनरली वी रिप्रेजेंट द इनिशियल स्टेट बाय क्यू नॉट. Q0 से हम उस इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं. मतलब फर्स्ट टाइम जब मैं इनपुट दूंगी ऑटोमेटा में तो वो कौन सी स्टेट में होगा, दैट इज़ द इनिशियल स्टेट. नेक्स्ट इज द फाइनल स्टेट एफ. इट इज़ अगेन अ सबसेट ऑफ Q. इसमें भी कुछ स्टेट्स होती हैं, लेकिन कौन सी स्टेट्स होंगी? इन्हीं में से कोई, Q0 से Qn तक. तो Q0 से Qn तक हमें पता है वी हैव ऑलरेडी टेकन एज द Q, कैपिटल Q हमने उसको ले लिया है. इन्हीं में से कोई स्टेट फाइनल स्टेट के लिए एज अ कंसिडर होगी. फाइनल स्टेट का क्या मतलब है? कि अगर एक बार प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई है हमारे सिस्टम में, अगर प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई है तो व्हाट विल बी इट्स फाइनल स्टेट, कौन सी स्टेट में उसको ख़त्म करना है इज़ द फाइनल स्टेट। अगर ट्रांजिशंस होते जा रहे हैं एंड वी हैव नॉट रीच द फाइनल स्टेट, अभी तक हम F पे नहीं पहुँचे हैं, इट मीन्स हमारा सक्सेसफुल कंप्लीशन नहीं हुआ है सिस्टम का। सो इट इज़ अ सबसेट ऑफ Q। सबसेट ऑफ Q का क्या मतलब है, एक से ज़्यादा स्टेट्स फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं। जैसे मैंने बोला कि अगर मेरे सिस्टम में Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5 देयर आर 5 स्टेट्स, अगर मेरा ऑटोमेटा किसी भी स्टेट में पहुंच जाता है Q3 या Q5 में से, या तो Q3 में पहुंच गया या Q5 में पहुंच गया, तो ये मेरे फाइनल स्टेट्स हैं। यहाँ पे मेरा ऑटोमेटा हॉल्ट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। सो हमने बोला F कंसिस्ट ऑफ Q3 एंड Q5, ये दो हमारी फाइनल स्टेट्स हो जाएंगी। लेकिन सिंस Q इनिशियल स्टेट के लिए हमने सिर्फ एक ही स्टेट को यूज़ किया है, इट मीन्स एन ऑटोमेटा इज रिस्ट्रिक्टेड टू हैव ओनली अ सिंगल इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट आपका एक ही होगा, जबकि फाइनल स्टेट आपके 1 और मोर देन 1 हो सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द वेरियस कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ फाइनाइट ऑटोमेटा, कि जनरली एक फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या नेसेसरी कॉम्पोनेंट्स हैं जो हमें चाहिए बनाने के लिए उसको। As you can see, this is the input tape. The first component is what? Input tape. This is the tape where we have stored all the input symbols. जहाँ पे हमने जो भी possible input symbols होंगे एक automata के लिए वो हमने store कर दिए हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया, जो input alphabet है वो string भी हो सकता है, number भी हो सकता है, फिर कोई character भी हो सकता है। तो यहाँ पे suppose हमने मान लिया A, B का कोई स्ट्रिंग है, सो दिस इज़ नोन एज द इनपुट टेप। इनपुट टेप के दोनों साइड में, लेफ्ट एंड राइट, देयर विल बी 2 एंड मार्कर्स। दीज आर द मार्कर्स विच रिप्रेजेंट्स और विच डिनोट्स द एंड ऑफ द इनपुट टेप। अगर यहाँ पे ये दोनों एंड मार्कर्स नहीं होंगे, दिस इज द लेफ्ट एंड मार्कर एंड दिस इज द राइट एंड मार्कर। अगर हम ये स्पेसिफाई नहीं करते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड मार्कर्स नहीं स्पेसिफाई करते हैं, इट मीन्स द इनपुट टेप इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, उसका कोई अंत नहीं है। सो वी हैव मेंशन्ड द एंड ऑफ द टेप्स बाय द लेफ्ट हैंड मार्कर एंड राइट हैंड मार्कर। उसके बीच में जितने भी इनपुट सिम्बल्स से जो स्ट्रिंग बन रहा है, दैट इज़ द इनपुट स्ट्रिंग, जिसको हम इनपुट स्ट्रिंग भी बोलते हैं, जो बनता है आपके इनपुट सिम्बल्स से। देन दिस वन इज द नेक्स्ट इज द रीडिंग हेड। Reading head, that is the second component of our automata। Reading head क्या करेगा, reading head यहाँ से input tape से symbol read करेगा and it will give the input into the finite control। यहाँ से read करके वो इसमें feed करेगा उसको finite control के अंदर। Reading head का सिर्फ इतना ही काम है, it will read the symbol and give it to the finite control, and then according to the scanning process, either it is from left to right or right to left, ये head move करेगा। If the scanning is from left to right, then after reading this input, it will move to the next input to the right hand side। Left से right में वो move करेगा। Now next is what? Finite control। Finite control एक ऐसा mechanism है which will decide the next state of the automata। हमारे automata का next state कौन सा होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? फाइनाइट कंट्रोल। फाइनाइट कंट्रोल के अंदर एक इनपुट तो आ चुका है, दैट इज द इनपुट अल्फ़ाबेट, जिसकी हम अभी तक बात कर रहे थे। इनपुट अल्फ़ाबेट हमें मिल गया है कहाँ से? इनपुट टेप से, यूजिंग द रीडिंग हेड। दूसरा जो हमें इनपुट चाहिए था, क्यू, द स्टेट, करंट स्टेट, जो ऑलरेडी फाइनाइट कंट्रोल को पता है। फाइनाइट कंट्रोल जब स्टार्ट होगा तो इसमें हम फीड कर चुके होंगे व्हाट इज़ द इनिशियल स्टेट और क्या इसके पॉसिबल ट्रांजिशंस हो सकते हैं। तो इट नोज द करंट स्टेट एंड इट हैज़ ऑल्सो गॉट द इनपुट सिंबल। नाउ डिपेंडिंग अपॉन दीज टू, इट विल डिसाइड द नेक्स्ट स्टेट ऑफ द ऑटोमेटा। तो फाइनाइट कंट्रोल मेजर हमारा जो कॉम्पोनेंट है, इट जनरली डिसाइड्स दैट इन विच स्टेट द ऑटोमेटा विल बी। अभी एट प्रेजेंट आपका ऑटोमेटा कौन से स्टेट में है, या फिर ये इनपुट लगाने पे ये कौन से नेक्स्ट स्टेट पे जाएगा, दैट इज़ द वर्क ऑफ फाइनाइट कंट्रोल। सो दीज आर द बेसिक कॉम्पोनेंट्स, इनपुट टेप, रीडिंग हेड, फाइनाइट कंट्रोल। इनपुट हेड में 2 एंड मार्कर्स होंगे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। वो इनपुट टेप जिनके एंड मार्कर्स नहीं हैं दोज विल बी इनफाइनाइट. रीडिंग हैड रीड करेगा डेटा को फ्रॉम द इनपुट स्ट्रिंग एंड इट विल फीड द इनपुट टू द फाइनाइट कंट्रोल. और फाइनाइट कंट्रोल डिसाइड करेगा कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेट ऑफ द ऑटोमेटा. सो दीज आर द बेसिक component.